हाय एवरीवन, दोस्तों कैसे आप सब। मैं आपके लिए लेकर आया हूं सर एक बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज, जिसमें हम तीन सब्जेक्ट का टेस्ट लेने वाले इंटर ग्रुप वन के लिए। चाहे अगर आपका न्यू सिलेबस है चाहे आपका ओल्ड सिलेबस है, तो हम एक टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं न्यू और ओल्ड दोनों सिलेबस के लिए। तीन सब्जेक्ट यहाँ पर रहने वाले हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड लॉ एंड एथिक्स। और सोचो हमारी इस टेस्ट की कॉस्ट है सिर्फ 499 एंड टोटल टेस्ट वी हैव टू कंडक्ट 110 टेस्ट। 110 टेस्ट लेंगे आपके तीनों सब्जेक्ट के मिलाकर। अभी टेस्ट कैसे होने वाले हैं क्या है, पर उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा दोस्तों, चाहे आप कितनी भी रिवीजन कर लो, चाहे आप कितना ही पढ़ लो, जितना आपने पढ़ा अगर उस पर आपको ये ना पता चले कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो जो मैं उसको बिना देखे, अभी तो आप जब रिविजन करते हो तो देख के करते हो, प्रैक्टिस करते हो तो देख के करते हो, जब हम बिना देखे उसको अप्लाई करते हैं पेपर में, जब बैठते हैं या टेस्ट में हम बैठते हैं, तो हमारा उसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है, हमने जो मेहनत करी उसका रिजल्ट क्या है, क्या हम ठीक से पढ़ रहे हैं। टेस्ट हमें ये बताता है कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें आपका रिजल्ट क्या है। 110 टेस्ट होने वाले हैं, लगभग 100 मिनिमम है, 110 मैक्सिमम है, इन्हीं के आसपास रहेगा। हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर में दो टेस्ट होंगे, हर मॉड्यूल का, हर सेक्शन का, स्टडी नोट का एक टेस्ट होगा, दो टेस्ट होंगे, और फुल फ्लैज दो टेस्ट होंगे आपके, मतलब पूरे सिलेबस के दो टेस्ट, वो एंड में होंगे जब पेपर पास होने लगेंगे। तो इस तरीके से चलेगा। कॉस्ट 499 है, 499 रुपए में 110 टेस्ट आपको मिलेंगे। टेस्ट कैसे कैसे रहने वाले हैं, ये तीनों सब्जेक्ट के मिलाकर है दोस्तों, और कॉस्ट सबसे कम है। इतनी कॉस्ट में आज तक इतने ज्यादा टेस्ट किसने नहीं लिए होंगे, इतनी कॉस्ट में, इतनी कम कॉस्ट में इससे ज्यादा टेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि मेरा पर्पस 110 टेस्ट में बनाकर तैयार कर चुका हूं। 3 महीने लग गए मुझे उसको बनाने में, 3 महीने, 3 महीने की मेहनत लगा दी मैंने उस टेस्ट के अंदर। अब कॉस्ट आप देख लो, 3 महीने की कॉस्ट मेरी 499 है। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आए इस 499 की कॉस्ट में, तो मुझे टेस्ट पोर्टल में भी पैसे देने पड़ेंगे, टेस्ट पोर्टल में ही पैसे देने पड़ेंगे। तो उसमें मेहनत का बहुत ही नॉमिनल अमाउंट ही मैं ले रहा हूं, जो मेरी मेहनत है, और मैं चाहूंगा ये टेस्ट देने के बाद आप 100% पास हो जाए, क्योंकि टेस्ट ऐसे कंडक्ट करूंगा कि उसमें फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स थोड़े थोड़े सब रहेंगे, और क्वेश्चन इस तरीके से बना करेगा टेस्ट, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल अप, क्वेश्चन, इस तरीके से छोटे छोटे थोड़े थोड़े क्वेश्चन सभी टेस्ट के अंदर रहेंगे। हर एक चैप्टर के दो टेस्ट होने वाले है। टेस्ट ज्वाइन कैसे करे, क्या क्या तरीका है, सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा आगे और डिटेल देना चाहता हूं टेस्ट सीरीज के बारे में। न्यू सिलेबस में लॉ की बात करूं तो कमर्शियल लॉ के अंदर 14 टेस्ट होंगे, इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर 12 टेस्ट होंगे। नए सिलेबस में इंडस्ट्रियल लॉ में 5 चैप्टर है, हर एक चैप्टर के 2 टेस्ट, 10 हो गए, और पूरे इंडस्ट्रियल लॉ का 2 टेस्ट, 12 हो गए, राइट। सिमिलरली यहां पर कमर्शियल लॉ के अंदर 6 चैप्टर है, हर एक चैप्टर के 2 टेस्ट, और पूरे कमर्शियल लॉ के 2 टेस्ट। से देख लो तरीका टेस्ट क्रिएट करने का, चैप्टर वाइज 2 टेस्ट, फिर पूरा कमर्शियल लॉ के 2 टेस्ट, इंडस्ट्रियल लॉ के चैप्टर वाइज 2 टेस्ट, फिर पूरे कमर्शियल लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ के 2 टेस्ट, फिर कंपनीज एंड एथिक्स, क्योंकि कंपनीज एक्ट तो पूरा ही है, तो कंपनीज एक्ट के 5 टेस्ट, एथिक्स के 2 टेस्ट, ठीक है, फुल फ्लैश 2 टेस्ट, जो पूरे सिलेबस का होगा। इस तरीके से आपके 35 टेस्ट बनते हैं। पर इधर ओल्ड सिलेबस वाले में फर्क है, क्योंकि इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर इधर 6 या 7 चैप्टर, 7 चैप्टर तो गिनो ही मत, 6 चैप्टर मान लो, 6 × 12, हर एक चैप्टर के 2 से, फिर इंडस्ट्रियल लॉ के 2 टेस्ट पूरा, तो 14 बनते हैं। तो इधर 37 टेस्ट होंगे लॉ के, मतलब आप देखिए 35 टेस्ट आपके लॉ के होंगे, 35 या 40 समथिंग आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के होंगे, ओल्ड और न्यू सिलेबस, क्योंकि ओल्ड और न्यू सिलेबस कॉस्ट अकाउंटिंग में फर्क नहीं है बिल्कुल भी, 1% का फर्क है बस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फर्क आ जाएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि चैप्टर्स का फर्क है, तो इसमें भी मैंने 35 से 40 लिख दिए हैं, क्योंकि अभी इसके बन रहे हैं, अभी बनी भी नहीं है, बन रहे हैं अभी, 5, 6, 7 टेस्ट और बनने बाकी है, मतलब अभी भी टेस्ट पे वर्क हो रहा है कि क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें और डाल सकते हैं इसके अंदर, एमसीक्यू, फिलअप, ट्रू फॉल्स और प्लस क्वेश्चन, इस तरीके से बन रहे हैं। ये नहीं कि क्वेश्चन डाल दिया दौर खत्म कहानी, ऐसे नहीं, क्योंकि पेपर भी इस तरीके से आ रहा है ना, जिस तरीके से पेपर आ रहा है उस तरीके से हमारा टेस्ट भी होगा। टेस्ट कैसे होगा, क्या रहेगा, देखिए ये जो प्राइस है आपका 499, ये वैलिड है आपके पास 1 जून तक। 1 जून से मैं आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूंगा, आपको एक पूरा चार्ट दूंगा। अब चार्ट यहां देने का तो कोई फायदा नहीं है, डिटेल टेस्ट सीरीज की यहां देने का तो कोई बेनिफिट नहीं है, वो मैं आपको उन व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा या फिर एक टेलीग्राम, जो भी होगा व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप बनाकर, वहां पर टेस्ट सीरीज मैं आपको दूंगा,
टेस्ट डाउनलोड नहीं कर सकते क्योंकि कोई फायदा नहीं है। अगर एक बच्चा पे कर रहा है और वो डाउनलोड करके दूसरे को शेयर कर देगा तो फिर फायदा क्या हुआ आपका पे करने का? ना तो आप टेस्ट डाउनलोड कर सकते हैं टेस्ट के क्वेश्चन, ना ही आप टेस्ट का आंसर डाउनलोड कर सकते हैं। अब तरीका क्या होगा, आपको एक टेस्ट दिया जाएगा, एक प्लेटफॉर्म में दिया जाएगा, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म में आपको टेस्ट मिलेगा। टेस्ट का ऊपर क्लिक करेंगे स्क्रीन पे दिख जाएगा, आपको टेस्ट आंसर बनाना चालू करना है, आंसर अपने पास रखना है, हमें नहीं देना। अब उस आंसर की मैं एक आंसर शीट पे अपलोड करूंगा जिससे आपको चेक करना है। उसके बाद मैं देखिए अब आप समझिए, अगर 200-250 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं तो मैं एक एक स्टूडेंट का टेस्ट तो चेक कर नहीं सकता, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, आप भी समझ रहे हो। तो मैंने क्या सोचा है कि हर एक टेस्ट की एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें स्टेप बाई मार्किंग दूंगा कि अगर आपका पहला वाला सही है तो एक नंबर दो, दूसरा सही है तो दो नंबर दो, तीसरा सही है तो ये सही है, ऐसे करके आंसर बताऊंगा। और क्वेश्चन कितना क्वेश्चन आपने करा, मान लो आपने एक क्वेश्चन में एक पूरा पेज है, आपने पहले दो एल आंसर निकाल दिया तो उस पर इतने नंबर मिलने चाहिए, दूसरा आंसर निकालते हो तो इतने नंबर है। तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, कई बार में आपको लगे कि मैं टेस्ट चेक करके दूंगा, नहीं सर, टेस्ट का आंसर आपके पास रहेगा, मैं आंसर शीट भी आपको पकड़ाऊंगा, वो भी नॉन डाउनलोडेबल होगी, डाउनलोड नहीं कर सकते उस शीट को भी, प्लस आपको एक वीडियो भी दूंगा साथ में जिससे आपको ये बताऊंगा कि स्टेप बाई मार्किंग करनी है और आपको अपने टेस्ट का सोल्यूशन का आंसर खुद मैं खुद बता दूंगा ना कि इधर अगर इतना सही है तो आपको इसमें इतने नंबर देने हैं, अपने आप से आप नंबर डिसाइड नहीं करेंगे, वो मेरे तरीके से बताने का होगा, नंबर देंगे तो ऊपर नीचे आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा कि हाँ मेरी जो चैप्टर की मेहनत मैंने करी है उस पर मुझे इतना मिल गया है। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों, टेस्ट बहुत जरूरी है, ये टेस्ट सीरीज होना बहुत जरूरी है और मैंने इतने टेस्ट बना दिए किसी ने नहीं बनाए होंगे आज तक इतने टेस्ट, 110 टेस्ट मायने रखते हैं और सिर्फ 499 ₹500 में। ₹500 का हम ना पिज्जा कहीं ऐसे उदाहरण में खेल घूमने में कहीं इधर खेलने में कहीं कुछ करने में रिचार्ज कराने में मोबाइल का इधर लगा दे, पर अपनी पढ़ाई के लिए ₹500 लगाने की बात करो तो इंसान 10 बार सोचता है, कहता है यार क्या जरूरत है, मोबाइल का रिचार्ज ज्यादा जरूरी है या पिज्जा खाना ज्यादा जरूरी है, कपड़े नए ले लेना ज्यादा जरूरी है, पर अपनी पढ़ाई में ₹500 लगाना वो ज्यादा जरूरी नहीं है। तो डिसाइड आपको करना है कि क्या करना है, आप ये डिसीजन खुद लीजिए कि आपको क्या करना है, लेना है नहीं लेना। लेने के लिए आपको क्या करना है, नीचे आपको एक व्हाट्सअप लिंक मिलेगा, जस्ट क्लिक ऑन, ठीक है, तरीका बता देता हूँ, क्लिक करके आपको हमारे व्हाट्सअप पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। स्टाफ मेंबर से आप बात करें कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, ज्यादा बात करने की कोई जरूरत नहीं है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, वो आपको एक पेमेंट डिटेल देंगे, स्कैनर पे करिए, आपको हम एक ग्रुप में ऐड कर देंगे और 1 जून से आपके टेस्ट चालू हो जाएंगे। 1 जून से पहले आपको एक शेड्यूल मिल जाएगा कि किस दिन कौन सा टेस्ट है, आप अपने रिविजन कर सकते हैं, ठीक है सर, किस दिन कौन सा टेस्ट रहेगा उस हिसाब से आप अपनी रिवीजन कर सकते हैं। तो ज्वाइन करिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ₹500 कोई बड़ी बात नहीं, इस ₹500 में वर्थ चीज आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।